घर बैठे शुरू करें QR कोड वाला शगुन गिफ्ट कार्ड बिजनेस। कहते हैं ना, आपदा में जो अवसर ढूंढ ले वो होता है असली व्यापारी। जी हाँ, कोरोना काल के चलते बिजनेस में मंदी अधिकतर लोगों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सूझबूझ से नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में शादी पार्टी, बच्चों का मुंडन या समारोह में लेन देन काफी चलता है। शगुन के नाम पर बहुत लोग गिफ्ट आइटम्स या कुछ पैसों से भरे लिफाफे देते हैं, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सभी फंक्शंस पर कुछ कुछ नियम लागू हैं, जिसके कारण एक दूसरे के घर आना जाना मुश्किल है। ऐसे में एक मजेदार आइडिया सामने आया है, वर्चुअल फंक्शन के साथ साथ QR कोड वाला शगुन गिफ्ट कार्ड बिजनेस। जी हाँ, ये वही कार्ड है जिसे हम अपने रिश्तेदारों को न्योते के तौर पर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस कार्ड में शगुन कार्ड भी जोड़ दिया, जिसमें उनके रिश्तेदार आसानी से शगुन दे सकते हैं, वो भी बिना किसी के संपर्क में आए। यानी कि वर्चुअल फंक्शन अटेंड करो और अपनी इच्छा से शगुन या गिफ्ट दे दो, जो कि सीधे शगुन और गिफ्ट लेने वाले के अकाउंट में जाएगा। बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और इस बिजनेस को करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी? अन्य बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, टेक्निकल स्किल और अन्य स्किल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर जब हम कार्ड प्रिंटेड बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में बड़ी बड़ी मशीन्स, एक्सपर्ट्स आदि की इमेज आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को आप छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस QR कोड शगुन गिफ्ट कार्ड बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप इसे किसी दुकान से शुरू करना चाहते हैं या फिर घर पर ही सुरक्षित रहकर करना चाहते हैं। घर से इस बिजनेस को करने पर आपका पैसा बचेगा और आप लॉकडाउन में इससे कमा भी पाएंगे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ चाहिए। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अपनी सभी काम इसी पर करेंगे। इसके अलावा आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्ड उसी में प्रिंट होगा। अब आपको आवश्यकता होगी क्वालिटी वाइज अच्छे कागज की, जिसमें आप अलग अलग डिजाइन में काम कर सकें। इस बिजनेस को शुरू करने में कितनी लागत आएगी? यदि आप इस बिजनेस को करने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस बिजनेस के लिए आपको अच्छे कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 30 से 2 लाख तक में आ जाएगा। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर का चयन कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटा बजट है तो आप 30 से 40 हजार में कंप्यूटर खरीद लें। एक अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर 20 से 40 हजार में आएगा। अच्छी क्वालिटी का कागज मान लो 15 हजार से 20 हजार तक आ जाएगा। मशीन होने के कारण बिजली खपत भी अच्छी खासी होगी। इस काम में 1 से 3 लोगों की आवश्यकता होगी, तो एक व्यक्ति की सैलरी कम से कम 10 हजार मान लो। यदि आपके परिवार के सदस्य आपकी सहायता करें तो पैसा बच जाएगा। 30,000 से 50,000 तक आपके पास कैश होना चाहिए व्यापार की आवश्यकताओं के लिए, तो लगभग 80,000 से 1,50,000 की बजट में घर से ही इस बिजनेस को चलाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन स्किल्स की आवश्यकता होगी? डिजाइन और ग्राफिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोरल ड्रॉ टूल को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। प्रिंटर और कंप्यूटर चलाने की समझ होनी चाहिए। QR कोड जनरेट करना आना चाहिए, जिसे स्कैन करके लोग गिफ्ट और शगुन के पैसे दे सके। मार्केट की समझ होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन ऑर्डर यहीं से मिलेंगे। बिजनेस के लिए कुछ जरूरी टिप्स। अपने कार्ड की डिजाइन कुछ अलग बनाएं जो बाकी लोगों से हटकर हो। अपने कार्ड को कुछ क्रिएटिव बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिससे लोग आपकी डिजाइन से आकर्षित हों। कार्ड पर ओके क्रेडिट और अन्य UPI एप्स पर QR कोड छापें, जिससे शगुन और गिफ्ट देने में आसानी हो। याद रखें, QR कोड ही आपके कार्ड को सबसे यूनिक बनाता है, इसलिए इस पर खास काम करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।